विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज पंजाब में आखिरी दिन है। वहीं इस बीच अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना नामांकन अमृतसर के पूर्वी हलके से भरा। इस मौके पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने अपने नामांकन पत्र भरा। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अकाली दल की सरकार पर और खास करके बादल परिवार पर तीखे वार किए। उनका कहना है कि आज बादल परिवार राज्य को एक संपत्ति समझता है। इस बीच आज प्रदेश में केवल एक परिवार का विकास हुआ है। साथ ही उनका कहना है कि भाग बादल भाग जनता आक रही है। साथ ही उनका कहना है कि वे अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि वे पंजाब के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही इस लड़ाई लड़ने के लिए सिस्टम में आना जरूरी था और वे कांग्रेस के सिस्टम में आकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिपाही के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोही शहंशाह। अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि मुझे कोई पद मिले या मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिससे मुझे संतुष्टि होगी। ध्येय एक है, साध्य एक है कि पंजाब बहाल होना चाहिए। मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं और हर पंजाबी में मुझे वो परमात्मा दिखता है, गुरु रामदास पातशाह दिखता है। और इसीलिए मैदान में उतरा हूं कि जो पंजाब गौरवान्वित करता था इस देश को, जो पंजाब जाना जाता था ग्रैंडरी ऑफ इंडिया के लिए, अन्नदाता था, आज उस पंजाब को 188,000 करोड़ के कर्जे में दबा दिया है गलत नीतियों ने। उन नीतियों ने पंजाब को डुबो दिया है, निजी स्वार्थों ने पंजाब को डुबो दिया है। लोगों की सरकार सिर्फ एक परिवार के लिए बन गई है। 23-23 मेंबर हैं उनके पास, 23-23 पोर्टफोलियो है। भाग बादल भाग के पंजाब की जनता आती है कुर्सी खाली कर। ये धर्म की लड़ाई है, भूखों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोते हुओं के हंसने की लड़ाई है, उजड़े हुओं को बसने की लड़ाई है। और पंजाब की राह के बाधा को, हर पत्थर को हटाने की लड़ाई है। ये कोई निजी लड़ाई नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं, बस एक बात है कि पंजाब बहाल हो, पंजाब का नौजवान सीधी दिशा ले और पंजाब को सवार दे। इस लड़ाई के लिए सिस्टम में आना जरूरी था और आज नवजोत सिंह सिद्धू सिस्टम में आके ही लड़ाई लड़ेगा। दूसरी इच्छा यह है कि कांग्रेस, ये तीसरा इलेक्शन है, कांग्रेस इस बार पावर में आए। मेरा अब अस्तित्व, मेरी पहचान कांग्रेस पार्टी से है। एक पंजाबी होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि हमारे लीडर कैप्टन साहब वो हमें लीड करें। पंजाब में ये कैंपेन उनके नाम पे है, मैं उनका एक सिपाही बनके इस लड़ाई को लड़ूंगा। हर कांग्रेस वाले को, हर पंजाबी को यही कहूंगा कि इस बार वोट पंजाब को डालना, इस बार वोट धर्म की स्थापना के लिए डालना। इस बार 500 रुपए के लिए वोट नहीं होनी, अपने निजी स्वार्थ के लिए वोट नहीं होनी। इस बार जिताना है पंजाब को, पंजाबियत को। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान। जिन्होंने धर्म के नाम पे वोटों के लिए पंजाब को तोड़ डाला, उनको सबक सिखाना है। और जो जोड़ना चाहते हैं, पंजाब को एकजुट अखंड करना चाहते हैं, उनको जिताना है, हर पंजाबी को जिताना है। 0.1% लोगों के पास 100% मुनाफा जा रहा है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई और धंधा हो, सब इनका। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।